नहीं, जो हमने बयान दिया है वो सही दिया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि जो व्यक्ति जिस व्यवसाय को चला रहा है, जिस दुकान को चला रहा है, चाहे वो खान पान की दुकानें हैं, चाहे उनका कोई व्यवसाय है, वो अपने नाम से चलाए। अपने नाम में चलाने में क्या उनको परेशानी है? अरे, अपने बाप को ही तो बाप कहा जाएगा। दूसरों के नाम से चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब पोल खुलती है तो ये निंदनीय विषय बन जाता है। इसलिए जो भी बयान दिया है हमने सही दिया है। ये बैंड बाजे वाला चंदूसी का, कोई भी हो, चाहे बैंड बाजे हो, चाहे कोई बिजनेस हो, अपने नाम से होनी चाहिए। किस तरह के नाम है जो आपने कहा है उसमें, चंदूसी में जो वो हमने कल बता दिया था, कहीं मंगलम नाम रखते हैं, कहीं कुछ कुछ इस तरह के, हाँ के हाँ इस तरह से नाम रखते हैं, मंगलम है, गंगा है, कृष्णा है, इस तरीके से नाम रखते हैं जो नहीं रखने चाहिए। अपने नाम के आधार पर हर काम होना चाहिए, जिसमें एक आत्मविश्वास भी रहता है, आत्मसंतुष्टि भी रहती है और किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं रहता। अपने नाम से है, क्या परेशानी है? तो बैंड बाजे को लेकर भी कोई आपकी बात खाली बैंड बाजों की नहीं है, नामों को लेकर कुछ कदम उठाया जाएगा? खाली बैंड बाजों की नहीं है, हर प्रकार की बिजनेस की है, हर प्रकार के खाद्य पदार्थों की है, सभी की है। बैंड बाजों के मामला नहीं है ये। दवाइयों में भी मिलावटखोरी के कई मामले सामने आए हैं। जहां मिलावट का मामला सामने आया है वहां सरकार कदम उठा रही है, उनको जेल भेजा जा रहा है। क्या क्या मांग उठाएंगे आप जो सरकार कोई कदम उठाए जिस तरीके से नामों को लेकर? नहीं, सरकार मांग उठाने से पहले ही सारे अपने कार्य कर रही है। उसमें मांग उठाने की कोई बात ही नहीं है कि हम लोग मांग उठाएं। तो सरकार तो अपने होने चाहिए जो ये बैंड बाजे वगैरह, कोई भी हो, जिसको जिसका जो कार्य है वो उसके नाम से होना चाहिए। अगर नाम से होता है तो ठीक है, जाति से होता है तब तो ठीक है। अब मैं दिवाकर हूँ, अब मैं लगा दूँ शर्मा, तो ये मेरे लिए आत्मघात की बात है कि जब पोल खुलेगी तो मेरे अंदर आत्मबल नहीं रहेगा। इस तरीके से जिसकी जो जाति है, जिसका जो धर्म है, जिसका जो भी है, वो उस आधार पर उसको काम करना चाहिए। नहीं, जो हमने बयान दिया है वो सही दिया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि जो व्यक्ति जिस व्यवसाय को चला रहा है, जिस दुकान को चला रहा है, चाहे वो खान पान की दुकानें हैं, चाहे उनका कोई व्यवसाय है, वो अपने नाम से चलाए। अपने नाम में चलाने में क्या उनको परेशानी है? अरे, अपने बाप को ही तो बाप कहा जाएगा। दूसरों के नाम से चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब पोल खुलती है तो ये निंदनीय विषय बन जाता है। इसलिए जो भी बयान दिया है हमने सही दिया है। ये बैंड बाजे वाला चंदूसी का, कोई भी हो, चाहे बैंड बाजे हो, चाहे कोई बिजनेस हो, अपने नाम से होनी चाहिए। किस तरह के नाम है जो आपने कहा है उसमें, चंदूसी में जो वो हमने कल बता दिया था, कहीं मंगलम नाम रखते हैं, कहीं कुछ कुछ इस तरह के, हाँ के हाँ इस तरह से नाम रखते हैं, मंगलम है, गंगा है, कृष्णा है, इस तरीके से नाम रखते हैं जो नहीं रखने चाहिए। अपने नाम के आधार पर हर काम होना चाहिए, जिसमें एक आत्मविश्वास भी रहता है, आत्मसंतुष्टि भी रहती है और किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं रहता। अपने नाम से है, क्या परेशानी है? तो बैंड बाजे को लेकर भी कोई आपकी बात खाली बैंड बाजों की नहीं है, नामों को लेकर कुछ कदम उठाया जाएगा? खाली बैंड बाजों की नहीं है, हर प्रकार की बिजनेस की है, हर प्रकार के खाद्य पदार्थों की है, सभी की है। बैंड बाजों के मामला नहीं है ये। दवाइयों में भी मिलावटखोरी के कई मामले सामने आए हैं। जहाँ मिलावट का मामला सामने आया है वहाँ सरकार कदम उठा रही है, उनको जेल भेजा जा रहा है। क्या क्या मांग उठाएंगे आप जो सरकार कोई कदम उठाए जिस तरीके से नामों को लेकर? नहीं, सरकार मांग उठाने से पहले ही सारे अपने कार्य कर रही है। उसमें मांग उठाने की कोई बात ही नहीं है कि हम लोग मांग उठाएं। तो सरकार तो अपने होने चाहिए जो ये बैंड बाजे वगैरह, कोई भी हो, जिसको जिसका जो कार्य है वो उसके नाम से होना चाहिए। अगर नाम से होता है तो ठीक है, जाति से होता है तब ठीक है। अब मैं दिवाकर हूँ, अब मैं लगा दूँ शर्मा, तो ये मेरे लिए आत्मघात की बात है कि जब पोल खुलेगी तो मेरे अंदर आत्मबल नहीं रहेगा। इस तरीके से जिसकी जो जाति है, जिसका जो धर्म है, जिसका जो भी है, वो उस आधार पर उसको काम करना चाहिए।